Hello everyone, I hope you all are fine. In this video, I will explain complete syllabus of physics for class 12. इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करूँगी. टर्म वन में क्या आने वाला है एंड टर्म सेकेंड में क्या आने वाला है. सो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें. स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो फर्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसमें आपके चैप्टर आएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, एंड सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके आएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. सेकेंड यूनिट है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी. उसमें आपका चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये सभी चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आपके आएंगे 17 मार्क्स के आएंगे. ठीक है, ये एक जैसी यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिलेटेड है ये. सो आप इसमें क्या करेंगे, 17 मार्क्स के गेन करने के लिए आप इसको पढ़ेंगे. उसके बाद है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. इसके अंदर आएगा आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. एंड फिफ्थ चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर. ठीक है, तो ये टू चैप्टर्स आपके इस वाली थर्ड यूनिट के अंदर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर. फोर्थ चैप्टर है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. फिफ्थ चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर. उसके बाद एक यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट. उसके बाद आपकी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट. इसमें आपके टू चैप्टर्स हैं, सिक्स चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेवन चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट. यानी ये आपके सेवन चैप्टर हैं जो आपके टर्म वन में आने वाले हैं. ये आपका यहाँ तक आपका 17 मार्क्स है और इसके बाद आपका पूरा 18 मार्क्स का है ये. तो ये 17 मार्क्स का हो गया और ये बाद का कितने का हो गया, 18 मार्क्स का. तो 17 प्लस 18 आप काउंट करें 35 ये हमारा बैठ जाएगा. तो 35 का टर्म वन आएगा, 35 का हमारा क्या आएगा, टर्म टू. और फिर जो हमारे 30 मार्क्स बच जाते हैं, 70 हो जाएंगे, सर 30 बचते हैं, उसमें हमारा प्रैक्टिकल होगा. प्रैक्टिकल में क्या होगा उसकी हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे. टर्म सेकंड में हमारा क्या आएगा, आप इसको कह सकते हैं टर्म, मतलब टर्म वन मीन्स फर्स्ट बुक. हमारे पास टू बुक्स हैं, तो टर्म वन मीन्स फर्स्ट बुक एंड टर्म सेकंड मीन्स सेकंड बुक. इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी जो यूनिट है इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ऑप्टिक्स यूनिट के अंदर टू चैप्टर्स हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, देन वेव ऑप्टिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक वेव ऑप्टिक्स. ये हमारा कंप्लीट 17 मार्क्स का होगा. उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. न्यू यूनिट, इसके अंदर भी एक चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. फिर न्यू यूनिट है हमारे पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई. इसमें हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बारे में. ये आपका आएगा 11 मार्क्स का. उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको करना है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या पढ़ना है आपको, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है. ओके, सो ये टर्म वन का सिलेबस था और ये टर्म टू का सिलेबस था आपका. इसको आप कॉपी में नोट डाउन करें और इसको याद रखें. टर्म वन मीन्स फर्स्ट बुक, टर्म टू मीन्स सेकंड बुक. अब हम क्या करेंगे, एक वीडियोज आपको प्रोवाइड की जाएगी प्रैक्टिकल के बेसिस पर और एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी इस चैप्टर में. सपोज फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इस चैप्टर कंप्लीट चैप्टर है, तो इसमें से कुछ डिलीटेड पोर्शन भी है क्योंकि COVID-19 की वजह से डिलीट भी हुआ है. तो कौन कौन से टॉपिक डिलीट है और कौन कौन से हमें करने हैं, तो डिलीटेड पोर्शन की नहीं वीडियो नहीं बनेगी आपके लिए, आपके लिए वीडियो बनाऊंगी मैं जो जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं. आप उनको फर्स्ट पेपर पे अपने लिखना और राइट करते जाना कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए और कौन सा टॉपिक हमारा लेफ्ट है. अगर बच्चों आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू, थैंक यू.